सेल्स तीन तरह से डिवाइड हो सकते हैं एक मेमेलियन सेल्स में, ऐसे सेल्स जो कभी नहीं डिवाइड करते हैं डिफरेंशिएट होने के बाद एडल्ट्स में, और वो सेल्स होंगे नर्व सेल्स, मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। दूसरी कैटेगरी सेल्स की एक एडल्ट पर्सन में वो होगी जिसमें सेल्स जो है डिवाइड तो नहीं करते हैं लेकिन उन्हें इंड्यूस किया जा सकता है डिवीजन के लिए, और सेल्स की वो कैटेगरी होगी हार्ट के सेल्स, लिवर के सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, स्किन फाइब्रोब्लास्ट जो कि स्किन की डर्मिस में पाए जाएंगे सेल्स, जब कभी आपको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है और सेल्स आपके ये डैमेज हो जाते हैं, तो उस डैमेज को पूरा करने के लिए, उस डैमेज को रिप्लेस करने के लिए जो ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं ब्लड प्लेटलेट के सेल्स, और वो ग्रोथ फैक्टर्स को इंड्यूस करता है सेल के डिवीजन के लिए जिससे स्किन की या जो भी स्किन जो एक टिश्यू है उसका जो डैमेज है वो पूरा हो सके। जो तीसरी कैटेगरी सेल्स की है जिनमें हाई माइटोटिक एक्टिविटी पाई जाएगी जिसमें डिवीजन बहुत फास्ट होगा, और वो कैटेगरी है स्पर्मेटोगोनिया जिसमें मेल गैमेट्स या स्पर्म बनेंगे, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो में पाए जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे, क्योंकि पर डे इनका लास्ट बॉडी में बनने का रेट बहुत हाई है और इनके डिस्ट्रॉय होने का भी रेट बहुत हाई है। आप जानते हैं कि एक आरबीसी की लाइफ जो है 120 डेज की होती है। और एपिथेलियल सेल्स जो कि गट की कैविटीज को लाइन करेंगे अंदर से या स्किन की एपिडर्मिस को लाइन करेंगे, और ये सेल्स जो हैं दिन में 24 आवर्स के अंदर करीब करीब दो दो बार इनका रिप्लेसमेंट होता है, डिवीजन इसमें इतना फास्ट होता है। और एपिकल मेरिस्टेम्स प्लांट सेल्स में जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, ऐसे सेल्स जो स्टेम सेल की तरह से बिहेव करेंगे और रूट और स्टेम के टिप्स में पाए जाएंगे, हाई डिवीजन एक्टिविटी होगी और वो प्रोड्यूस करेंगे न्यू लीव्स, बड्स और फ्लावर्स। इसके अलावा कभी कभी कुछ सेल्स एक जीवन फेज से यस फेज में ट्रांजिशन नहीं होंगे जो ये कैटेगरी होती है, वो चले जाते हैं क्यूसेंट स्टेज में या रेस्टिंग स्टेज में। ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेंगे लेकिन इनका ग्रोथ जो है इसमें अरेस्टेड रहेगी उतने समय के लिए, सीज कर जाएगी, तो सीज ग्रोथ हो जाएगी और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। जब इनको स्टिमुलस मिलेगा इन सेल्स को तब ये सेल्स जो है डिवाइड करेंगे और पूरी साइकिल कंप्लीट करेंगे।